इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह आप रिसीव आइटम एंट्री के द्वारा अपने सेलेक्ट किए हुए आइटम का रिटर्न कर सकते हैं। इसके लिए सेटअप बटन पर क्लिक करें। सेटअप विंडो के पहले पेज के ऑप्शन रिसीव आइटम पर क्लिक करें और यहां से अब आप उस रिसीव आइटम एंट्री को सेलेक्ट करें जिसके आइटम को आप रिटर्न करना चाहते हैं। अपने रिसीव आइटम एंट्री को सेलेक्ट करने के बाद आप उस रिसीव आइटम एंट्री को व्यू मोड में ओपन करें। इसके लिए व्यू रिसीव्ड आइटम एंट्री बटन पर क्लिक करें, जहां पर आपके द्वारा सेलेक्ट की गई रिसीव आइटम एंट्री व्यू मोड में ओपन हो जाती है। यहां से अब आप उन आइटम्स को सेलेक्ट करें जिन्हें आप रिटर्न करना चाहते हैं। आप चाहें तो यहां से सभी आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं या केवल अपने आवश्यकता के अनुसार अपने आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं अपने पहले दो आइटम को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आइटम को सेलेक्ट करने के बाद आप रिटर्न सेलेक्टेड आइटम बटन पर क्लिक करें, जहां पर आप परचेज रिटर्न का विंडो देखते हैं और इस विंडो में अब आपको वो दो आइटम दिखाई देंगे जिन्हें आपने रिसीव आइटम एंट्री में सेलेक्ट किया था। यहाँ से आप चाहें तो अपने रिटर्न किए जाने वाले आइटम की क्वांटिटी को भी बदल सकते हैं। परचेज रिटर्न की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो हाउ टू मेक परचेज रिटर्न पर जाएं, जहां पर आप परचेज रिटर्न को विस्तार में समझ सकते हैं। इसके बाद परचेज रिटर्न को परफॉर्म करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद आप यहां देख सकते हैं कि आपके द्वारा सेलेक्ट किए हुए दो आइटम जिन्हें आपने परचेज रिटर्न किया है उसके आखिरी के कॉलम्स में आप उनकी रिटर्न क्वांटिटी को देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो यहां से अपने तीसरे आइटम को सेलेक्ट करके भी उसे रिटर्न कर सकते हैं। यहां से मैं अपने तीसरे आइटम को सेलेक्ट करने के बाद उसे भी रिटर्न करता हूं। और अब आप यदि अपने तीनों आइटम को सेलेक्ट करने के बाद इसी रिसीव आइटम एंट्री के आइटम को रिटर्न करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, सभी आइटम्स जो कि यहां पर सेलेक्ट किए हुए हैं रिटर्न हो चुके हैं। आप ओके बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न का विंडो ओपन होता है, जहां पर अब आप चाहें तो अपनी आवश्यकता के अनुसार दूसरी रिसीव आइटम एंट्री को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके आइटम को आप रिटर्न करना चाहते हैं। यदि आप कोई परचेज रिटर्न नहीं करना चाहते तो इस विंडो को क्लोज कर दें। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि व्यू रिसीव आइटम एंट्री में आप कितनी आसानी से अपने सेलेक्ट किए हुए आइटम को रिटर्न कर सकते हैं।